नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया भी इसके लिए कैंपेन चला रहा है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल आप जरूर करें। और इसी के साथ ही आइए सुलगते सवाल में। आज की सबसे बड़ी खबर ट्विटर से जुड़ी हुई अमिताभ सिन्हा की खबर है। ट्विटर ने आज सुबह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया। जानकारी के मुताबिक रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट सुबह 1 घंटे तक लॉक रहा। ट्विटर की दलील थी कि रविशंकर प्रसाद की पोस्ट अमेरिकी कानून के खिलाफ थी, जिसकी वजह से उन पर ये कार्रवाई हुई है। और एक घंटे के बाद ही ट्विटर ने अपनी गलती सुधारी और 1 घंटे के अंदर ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को अनलॉक कर दिया गया। ट्विटर के इस कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद ने कड़ी नाराजगी जताई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कूपर लिखा कि ट्विटर ने भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों की अनदेखी करते हुए कार्रवाई की और बिना कोई नोटिस दिए मेरा अकाउंट लॉक कर दिया। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ट्विटर ने अपनी मनमानी कार्रवाई की है, जिस पर काफी आक्रामक रवैये में कूऐप पर नजर आ रहे हैं रविशंकर प्रसाद। और उन्होंने कहा कि अमूमन ऐसा होता है, उन्होंने बैक टू बैक 2-3 ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से सख्त नियमों का पालन करवाने से ट्विटर क्यों बच रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो किसी भी तरह से किसी भी अकाउंट पर अपना एक अंकुश रखना चाहता है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, इस बारे में अभी की बड़ी खबर क्या है? देखिए, अभी तो यही सामने आया था क्योंकि 1 घंटे के लिए उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुआ था। इस दौरान जो है रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट तो हो सकता था, बाकी ट्वीट होने पर रोक हो गई थी, यानी कोई ट्वीट नहीं किया जा सकता था, लेकिन लोग उन्हें उनके ट्विटर अकाउंट को देख पा रहे थे। तो ट्विटर ने एक तरह से उनके लिखने पर आज़ादी रोक लगा दी थी और ये करीब 1 घंटे तक रहा। बेहद ही गंभीर ये मामला रहा और ट्विटर ने इसे हालांकि तुरंत रेक्टिफाई किया, ठीक करने की कोशिश की और 1 घंटे बाद उनके अकाउंट का जो ब्लॉक किया गया था उसे हटाया भी। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हुई है कि देश में इंटरमीडिएट कंपनीज के लिए नियम कानून बनते हैं, आईटी नियम 2021 बनाए जाते हैं, उसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि जो कंपनीज होंगी उन्हें ये बताना होगा अगर वो किसी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करते हैं तो जानकारी देना होगा कि हम आपके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर रहे हैं और जो शिकायत आई है उसके बारे में भी बताना होगा। लेकिन ऐसा इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ और यही कारण रहा कि रविशंकर प्रसाद की अगर आप ट्वीट देखेंगे तो वो साफ दिखाते हैं कि ट्विटर अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इस तरीके की घटनाएं पहले भी करता रहा है और आज भी उसने उसी तरह की घटना को अंजाम दिया। इस बारे में किस तरह से केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट करके बात को जाहिर किया है, ट्विटर अकाउंट पर अनलॉक होने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है। दोस्तों, आज सुबह बेहद अजीब हुआ, ट्विटर ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का हवाला देते हुए करीब 1 घंटे तक मेरे अकाउंट को लॉक कर दिया और बाद में मेरे अकाउंट को खोल दिया। तो ये उनका पहला रिएक्शन था ट्विटर पर जब उनका अनलॉक हुआ अकाउंट। तो इससे साफ है कि किस तरह से आईटी मिनिस्टर के इस अकाउंट को लॉक किया गया जिसकी जानकारी उन्हें खुद ही नहीं थी। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल इसीलिए बेहद गंभीर बात है कि देश के आईटी मिनिस्टर, भारत देश के आईटी मिनिस्टर का आप अकाउंट ब्लॉक करते हैं और उस देश के आईटी मिनिस्टर का जिनके मंत्रालय ने कुछ समय पहले नियम बनाए थे जो सभी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट कंपनीज को पालन करना था। एक तो ट्विटर ने उन नियमों का पालन नहीं किया और दूसरा जब उन पर लगातार ये दबाव बन रहा है कि आप ट्विटर अगर आपको भारत में काम करना है, भारत में व्यापार करना है तो जो नियम सोशल मीडिया कंपनीज के लिए बनाए गए हैं उसका आपको पालन करना होगा। बाकी तमाम कंपनियों ने अपने यहाँ लोगों की नियुक्ति कर दी है, नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर को इसमें दिक्कत है और आज इसका परिणाम ये मिला कि भारत सरकार के मंत्री के ट्विटर अकाउंट को ही 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। उस 1 घंटे के दौरान वो अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई ट्वीट नहीं लिख सकते थे, हालांकि लोग उनके ट्विटर अकाउंट को देख रहे थे, लेकिन जो वो अगर ट्वीट करना चाहते तो वो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ब्लॉक था। तो एक गंभीर घटना हुई है और निश्चित तौर पर ये एक ऐसी घटना है जिसके लिए ट्विटर को माफ़ी भी मांगनी चाहिए
चाहिए और साथ में कारण भी बताना चाहिए कि आखिर कौन सा ऐसा ट्वीट था जो उसे इतना नागवार गुजरा कि वो उसके नियमों के उसको उस अपनी कंपनी के नियमों के खिलाफ लगा। और वैसे भी अगर आप किसी देश में काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उस देश के नियमों का मानना पड़ेगा। आप अपनी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन देश के नियम और कानून से बड़ा नहीं बना सकते। और साथ ही रविशंकर प्रसाद ने विक्रांत कुछ और ट्वीट भी किए हैं, ट्विटर की कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, ट्विटर की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 4.8 का सरासर उल्लंघन है, जहां वो अकाउंट को लॉक किए जाने से पहले मुझे नोटिस देने में नाकाम रहे हैं। इसी पर यतेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, ऐसा लग रहा है कि ट्विटर ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है आईटी मिनिस्टर के इस तरह से ट्विटर को 1 घंटे के लिए लॉक करने के बाद। देखिए बिल्कुल, जिस तरह की हरकत ट्विटर के द्वारा की गई है, भारत के कानून और आईटी मंत्री के अकाउंट को बिना कोई नोटिस दिए 1 घंटे तक ब्लॉक कर देना अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना भी है, और साथ में इशारा करता है कि ट्विटर शायद जानबूझकर ऐसी घटनाएं कर रहा है जिससे इस तरह का मौका मिले, क्योंकि आईटी कंपनी आईटी मंत्री के अकाउंट को जिस तरह से ब्लॉक किया गया उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि ये बताया गया है कि जो अमेरिकन आईटी कानून है उनका उल्लंघन किया गया है, लेकिन किस ट्वीट की वजह से किया गया, आखिरकार ऐसा कौन सा ट्वीट आईटी मंत्री की तरफ से किया गया जिसकी वजह से एक कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि 1 घंटे वक्त के बाद खोल दिया गया, लेकिन कानून मंत्री और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे मनमानी की हद बताया है। पहले भी तनातनी ट्विटर और सरकार के बीच में चल रही थी, लेकिन अब जो नया जो नई हरकत ट्विटर के द्वारा की गई है बिना किसी नोटिस के, इसे उकसाने वाली हरकत माना जा रहा है और इसे बड़ी गंभीरता से भारत सरकार लेगी। और मनमानी की हद कर दी है, इस तरह का भी मैसेज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से दे दिया गया है। यानी कि साफ है, जो आप कह भी रहे हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली घटना इसको माना जा रहा है, तो वही ट्विटर ने किया है। एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक गलती करता जा रहा है ट्विटर। पहले जो भारतीय कानून है उनको नहीं माना गया है, जो अधिकारी की नियुक्ति करनी थी वो अभी तक नहीं की गई है, ना ही इसके बारे में आधिकारिक तौर पर अभी तक भारत सरकार को बताया गया है, और अब ये बिना किसी नोटिस के कानून और आईटी मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर देना, ये भी उसी श्रेणी में आता है। ये बेनकाब भी करता है ट्विटर को, वो इस तरह, यही तो भारत सरकार नियम कायदों के लागू होने के साथ चाहता है कि किसी भी तरह का जो हस्तक्षेप है गैर वाजिब तरीके का वो ट्विटर का ना रहे। और इस मामले में भी रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे के लिए लॉक करना ये बताता है कि किस तरह से वो अपनी तानाशाही को बरकरार रखना चाहता है। देखिए, एक चीज़ समझनी होगी कि जो इंटरमीडियरी कंपनीज के लिए जो रूल बनाए गए हैं उसके तहत अगर ट्विटर किसी के अकाउंट को लॉक करता है तो उसे बताना पड़ेगा, पहले से प्रायर उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी अपने ट्विटर यूज़र को कि आपके अकाउंट को लॉक किया जा रहा है, उसका कारण बताना पड़ेगा और उसके बाद ही उस अकाउंट को लॉक किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में भारत सरकार के आईटी मिनिस्टर का अकाउंट लॉक कर दिया जाता है, उन्हें कारण नहीं बताया जाता, और जब लॉक हो जाता है उसके बाद उनके पास जानकारी आती है कि आपका अकाउंट लॉक कर दिया गया है, तो उसके बाद उसे हालांकि 1 घंटे बाद अनलॉक भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा ट्वीट रहा जिसके कारण अकाउंट को लॉक करना पड़ा, और अगर लॉक करना इतना ही जरूरी था और वो किसी ट्विटर के किसी चीज के खिलाफ था तो ट्विटर को पहले ये जानकारी देनी होगी कि किस ट्वीट पर उसे इतनी आपत्ति थी कि उसने लॉक किया। भारत सरकार के वेरीफाइड अकाउंट से, भारत सरकार के मंत्री के वेरीफाइड अकाउंट से हुए किस ट्वीट से उन्हें दिक्कत है, ये भी ट्विटर को बताना चाहिए। हालांकि इन सब चीज़ों में इस प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखा गया, और जो नए आईटी नियम है वो भी ये कहते हैं कि अगर ट्विटर किसी के अकाउंट को लॉक करता है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि आखिर किस कारण से उसे लॉक किया गया। अगर इस तरीके से गैर जिम्मेदार रवैया रविशंकर प्रसाद ने अकाउंट लॉक किए जाने की कार्रवाई के लिए ट्विटर को निशाने पर लिया है, ने ट्वीट किया है। अब से साफ हो गया कि क्यों ट्विटर इंटरमीडियरी गाइडलाइंस का पालन करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि अगर ट्विटर नियमों का पालन करता है तो वो मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति के उसके अकाउंट तक पहुंच रोकने में समर्थ नहीं हो पाएगा जो उसके एजेंडे के मुताबिक नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी प्लेटफॉर्म क्या करता है, उन्हें पूरी तरह से नए आईटी नियमों का पालन करना ही होगा और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। विक्रांत, वही बात जिसको लगातार जिक्र भी किया जा रहा है, दरअसल नियम कायदे तो यही है कि ट्विटर पर ये अंकुश लगाया जाए कि वो किसी व्यक्ति के
अकाउंट पर इस तरह से हस्तक्षेप ना करें बगैर उसकी जानकारी के, बगैर उसकी मर्जी के, और इसी आईटी नियमों से तो बच रहा है ट्विटर। देखिए ट्विटर के पास, क्योंकि आईटी नियम जो बनाए गए थे उसका पीछे भारत सरकार का यही कहना था कि हम किसी जो बोलने की आज़ादी, जो लिखने की आज़ादी है उस पर किसी तरीके का या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी इसका उल्लंघन नहीं कर रहे। भारतीय संविधान का हवाला देते हुए ये बताया कि संविधान में ये सारी आज़ादी मिली है, लेकिन एक राइडर होता है, आपकी आज़ादी तभी तक रहती है जब तक आप दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें। लेकिन ट्विटर जैसी जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनीज हैं वो अभी तक अपना कानून चलाते थे, और अगर आपने किसी के अकाउंट को लॉक किया है तो आपको ये बताना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि उसके खिलाफ क्या शिकायत आई थी जिसके कारण उस अकाउंट को लॉक करने की नौबत आई पड़ी। और अगर आप उसको बिना कोई कारण बताए उसके अकाउंट को लॉक करते हैं तो ये पूरी तरीके से मनमाना, क्योंकि किसी आदमी को ये पता ही नहीं है कि आखिर उसके अकाउंट को क्यों लॉक किया गया और फिर क्यों अनलॉक कर दिया गया। ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया कंपनी यानी ट्विटर की मनमानी के रूप में ही देखा जा सकेगा, और इसी कारण आईटी नियमों को लाया गया है कि एक ऐसा पूरा प्रोसेस हो, एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें ये एक पारदर्शिता रहे और ये पता चले कि किस कारण से लॉक किया गया। और अगर किसी व्यक्ति को शिकायत है तो वो रिड्रेसल अधिकारी आपका होना चाहिए जिसके पास शिकायत की जा सके। ट्विटर ने उन अधिकारियों की नियुक्ति अभी तक यहाँ नहीं की, ग्रीवेंस अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है जिसके पास शिकायत की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब और ज़्यादा तेजी से उठेंगे, और हाल ही में संसद की स्थायी समिति में भी ये मामला उठा था, तब पक्ष विपक्ष ने एकजुट होकर ये कहा था कि भारत सरकार के नियमों को तो मानना ही पड़ेगा। तो यानी पूरे देश में ये एक राय है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि अगर भारत सरकार ने कोई नियम बनाए हैं तो उसका पालन सोशल मीडिया कंपनीज को करना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है यतेंद्र कि हम देख रहे हैं संबित पात्रा के भी उस ट्वीट का जिक्र यहाँ पर होना चाहिए और शशि थरूर के भी उस ट्वीट का जिक्र होना चाहिए जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। ये कार्रवाई अगर मनमाने तरीके से होगी तो उस पर अंकुश लगाने के लिए आईटी के नियमों का लागू होना, सख्ती से उनका ट्विटर के जरिए पालन होना बेहद जरूरी है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ट्विटर बार बार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और जो नए आईटी कानून आए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो जाहिर है कि सख्ती होनी चाहिए। भारत सरकार को खुद तय करना होगा कि किस तरह से सख्ती करनी है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने एक इसी तरह का एक ट्वीट जो ट्विटर अकाउंट ने जो वायरल होने से नहीं रोका, उसके खिलाफ भी एक FIR पहली बार हुई किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ। तो उसमें अब और ट्विटर ने आग में घी डालने का काम किया कि बिना किसी नोटिस के अमेरिकी कानूनों के तहत, जबकि उसे भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिए, खुद कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया एक घंटे के लिए। कोई जानकारी उनको नहीं दी गई, कानून के तहत उनको बताना चाहिए कि किस ट्वीट की वजह से किया गया है, आखिर क्या कारण था कि कानून मंत्री का अकाउंट उनको ब्लॉक करना पड़ा। लेकिन ट्विटर की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया, कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, और बार बार जो ट्विटर जिस तरह से खासकर नेताओं के और संबित पात्रा का जिस तरह से मैनिपुलेटेड लिखा उन्होंने उस पर, और अब रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक किया गया, जाहिर है कि कहीं ना कहीं आईटी कानूनों का उल्लंघन, जो भारतीय कानून है, नए कानून जो बनाए गए हैं उनका उल्लंघन है। और इसी तरह अगर ट्विटर की जो मनमानी चलती रही, जो अब रविशंकर प्रसाद ने बोला भी है कि मनमानी की हद कर दी है ट्विटर ने, तो आगे आने वाले समय में लगता है कि भारत सरकार और कड़ा कदम और कड़े सख्त रवैया ट्विटर के खिलाफ अपनाएगी। जी, और साथ ही साथ विक्रांत एक बात और जरा बताइए, अमूमन किसी भी घटना के पीछे की कोई पृष्ठभूमि तो होती है, तो ट्विटर को इस बात को बताने में क्या हर्ज है? और ये कोई आम आदमी तो है नहीं, देश के आईटी मिनिस्टर की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है जो एक लंबी लड़ाई लगातार नियम कायदों को लेकर आईटी में खास तौर पर सोशल प्लेटफॉर्म के लिए रख रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई दिक्कत है, शिकायत हो तो आप अपने पॉइंट्स को रखिए, उनके खिलाफ आप ऐसी कार्रवाई कर देते हो और आपके पास अभी तक कोई जवाब नहीं है, सुबह की घटना है, शाम होने को आ गई है। देखिए इसको आसान शब्दों में अगर समझें तो किसी व्यक्ति को, क्योंकि जो ट्विटर ने लॉक करने की प्रक्रिया की वो एक तरह से सजा देने के बराबर है कि आपने कोई गलती पाई और आपने अकाउंट को लॉक कर दिया, तो इसको इसी तरीके से देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को आप अगर कोई सजा देते हैं तो पहले उसका अपराध पता होना चाहिए, उसकी गलती पता होना चाहिए। लेकिन ट्विटर जिस तरीके से कार्रवाई करता है उसी पर आपत्ति भारत सरकार को है कि पहले भी ये देखने में आया है कि वो मनमाने तरीके से लोगों के अकाउंट ब्लॉक करता है
जिसके ट्विटर से वो सहमत नहीं होता उसके ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे देता है। और इसमें कोई एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो पारदर्शी प्रक्रिया हो, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ करने का आरोप भी लगाया जाता रहा है। इसी कारण आपने जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी, विरोधी पार्टियों के नेताओं के भी ब्लॉक हुए हैं और लॉक हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई है। मैं शशि थरूर का यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ। ट्विटर पर वो भड़के हैं शशि थरूर, उन्होंने कहा है वो ट्विटर से इस मामले में जवाब तलब करेंगे। शशि थरूर संसदीय कमेटी के अध्यक्ष हैं, पहले शशि थरूर का भी अकाउंट लॉक कर चुके हैं ट्विटर। शशि थरूर ने कहा है कि ट्विटर की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यतेंद्र, अब तो शशि थरूर भी कह रहे हैं कि भाई ट्विटर पर ये जो अंकुश है वो लगाया जाना बेहद जरूरी है, और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये एक नियम कायदे की बात है जो कि हर नागरिक से ताल्लुक रखता है, वो अंकुश होना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत सरकार भी यही कह रही है कि नियम कायदे कानून की बात है। जो भारतीय कानून है वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसको उन कानूनों को फॉलो करना ही पड़ेगा, और ना करने के अगर वो नहीं करते हैं तो उनको जो सुरक्षा का कानून था वो वापस लिया जाएगा, और जैसे कार्रवाई कानून के तहत होती है वो कार्रवाई की जाएगी। चाहे शशि थरूर हो, संबित पात्रा हो, रविशंकर प्रसाद हो, या दूसरे ऐसे तमाम नेता या आम नागरिक जिनका जिनके साथ ट्विटर ने इस तरह की हरकतें की हैं बिना किसी सूचना के, ट्विटर उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने ब्लॉक किया है और बिना किसी नोटिस के, तो ये कहीं ना कहीं कानूनों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, क्योंकि एक नहीं ऐसे कई उदाहरण हैं जब ट्विटर ने इस तरह की हरकतें की हैं, क्योंकि वो अमेरिकन कानूनों को फॉलो करता है, लेकिन देश का कानून कहता है कि अगर यहाँ की सरजमी पर काम करना है, यहाँ से बिजनेस करना है, यहाँ पर अपना काम खड़ा करना है, तो यहाँ के कानूनों को फॉलो करना ही पड़ेगा। और यही इसी कारण से भारत सरकार नए आईटी कानून लेकर आई थी, और उसने बाकायदा नए आईटी कानूनों को ये सारी कंपनियाँ फॉलो करें इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए, कई सारे नोटिस भी दिए, लेकिन उन तमाम नोटिसों के बावजूद भी ट्विटर ने अपने उन आईटी कानूनों को फॉलो करने के लिए अपने अधिकारी की नियुक्ति नहीं की, अपने अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने एक एफआईआर भी की। लेकिन अब जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से ट्विटर की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, लगातार कानूनों का उल्लंघन, भारतीय कानूनों का उल्लंघन वो करता जा रहा है, तो जरूरी है कि अब सख्त कदम उठाए जाए। ट्विटर है उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं तय की जाए कि आखिरकार उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भारतीय कानूनों के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से काम करना है, और जो ट्वीट भारतीय जो लोगों के जो ट्वीट है, ट्विटर अकाउंट है, उनको अगर उनकी तरफ से कोई गलती होती है, उस गलती के बारे में बताया जाए, तब बाकायदा एक नोटिस दिया जाए और जो कानूनी प्रक्रिया है वो फॉलो की जाए। अगर वो फॉलो नहीं की जाती है, जैसे रविशंकर प्रसाद के अकाउंट के बारे में किया गया, तो उस तरह से इसे उल्लंघन मानते हुए बाकायदा कार्रवाई करने की भी जरूरत है। अब जरूरत है कि भारत सरकार एक कदम और आगे बढ़े। कि आपके भीतर किसी बात को लेकर कोई शिकायत है, तनातनी है केंद्र में, ट्विटर में जो चल रही है उस पर अपनी बात रखिए। आप इस तरह से आईटी मिनिस्टर का अकाउंट एक घंटे के लिए लॉक कैसे कर सकते हैं, ये समझ से परे है। इसी पर लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित ने बात की है बीजेपी नेता आरपी सिंह से, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। सर, किस तरीके से ट्विटर के इस मूव को देखते हैं आप? देखिए, ट्विटर के दोहरे मापदंड सबको दिखने लगे। एक तरफ वो कहते हैं हम इंटिमिडेटरी हैं, एक तरफ वो जज का काम करते हैं, वो कहते हैं कि कोई कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है तो उनका क्लॉज 7 का बताता है कि उनको नोटिस देना पड़ेगा किसके कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ। अब किसी का अगर मैं किसी का कोई इंटरव्यू या कोई डॉक्यूमेंट लगाऊं तो उसको दिक्कत होगी या ट्विटर को दिक्कत होगी? बड़ा स्पष्ट है, ट्विटर कुछ दादागिरी दहा रहे हैं अपनी, उनको समझ आना पड़ेगा कि ये चलने वाला नहीं। भारत का कानून उनको मानना पड़ेगा, भारत के कानून के अंतर्गत उनको काम करना पड़ेगा, और अंतर्गत वा दे हैव टू फॉलो इन लाइन। सर, शशि थरूर जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन है, उनका भी ये कहना कि हम भी ट्विटर से इस बारे में जवाब तलब करेंगे, रविशंकर प्रसाद के साथ साथ उनका भी अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था थोड़ी देर के लिए। जो कारण बता रहे हैं वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है तो उसको दिक्कत होगी जिसका कॉपीराइट इन्फ्रिंज हुआ है, ट्विटर को क्या दिक्कत है उसमें? अगर मैं अपने ट्विटर अकाउंट में कोई इंटरव्यू लगाता हूँ, किसी चैनल का इंटरव्यू, आप ही के चैनल का इंटरव्यू दिया मैं लगाता हूँ, तो आपको दिक्कत होगी, CNN को दिक्कत होगी, IBN को दिक्कत होगी, या ट्विटर को दिक्कत होगी? सर, मैं ट्विटर को समझना पड़ेगा कि उनको देश के कानून के अंतर्गत काम करना पड़ेगा,
ये आर्म ट्विस्टिंग कर बाजू मोड़ कर काम चलना नहीं है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, वो जज नहीं है, वो एक कंपनी है जो कि भारत के अंदर कानून के अंतर्गत काम करेगी। देश का कानून सर्वोपरि है, ऐसा कहना है बीजेपी का कैमरा पर्सन दिनेश देवरी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज 18 इंडिया। विक्रांत, हमने अभी सुना किस तरह से आरपी सिंह कह रहे हैं कि आप बाजू मरोड़कर काम नहीं करा सकते, अगर आपको कोई बात खराब लग रही है वो तथ्य पर आकर आप कसौटी पर चेक कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। तो अब आगे भारत सरकार का स्टैंड इस पूरे मामले पर क्या होने जा रहा है? देखिए, मामला बेहद ही गंभीर है। इस मामले में प्रीति कोई हो ही नहीं सकता कि कोई दूसरा थॉट आए, क्योंकि जिस तरीके की गंभीर घटना की है कि आपने भारत सरकार के मंत्री के जो अकाउंट है उसको लॉक कर दिया और एक घंटे तक मनमाने तरीके से उसे लॉक रखा, ये बेहद ही गंभीर बात है। अभी आप यतिन से जो शशि थरूर की बात कर रही थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है शशि थरूर का ट्वीट करना, क्योंकि शशि थरूर सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वो सिर्फ एक सांसद नहीं है, बल्कि वो संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। यानी आईटी मामलों की जो संसद की स्थायी समिति है, विशेषाधिकार समिति होती है ये, इस समिति के वो अध्यक्ष भी हैं और इस नाते वो ट्विटर के खिलाफ, उनके पास पूरा अधिकार है कि वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। और पिछली बार भी उन्होंने ट्विटर के अधिकारियों को बुलाया था और उन्हीं की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था साफ तौर पर कि भारत सरकार के नियमों को तो आपको मानना ही पड़ेगा। अभी शशि थरूर ने जो ट्वीट किया है वो ये दिखाता है कि इस मामले में ये मामला सत्ता पक्ष या विपक्ष का नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं आगे का है, ये भारत सरकार का मामला है और सरकार की अथॉरिटी को अगर कोई कंपनी इस तरीके से चुनौती देते हुए दिखाई देगी तो इस पर भारत सरकार और जो पक्ष और विपक्ष है उसका भेद भुला करके सब लोग एक हैं। और उनका साफ ये कहना है कि भारत में रहना है, भारत में अगर व्यापार करना है आप लोगों का स्वागत है, लेकिन भारत सरकार के जो नियम कानून होंगे उसके दायरे में रहकर ही आप काम कर सकते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आपने कार्रवाई की, मान लिया आपने कार्रवाई की, आपको कुछ गलत लगा, वो आकर बताइए तो सही। आप ये तो बताइए कि किस आधार पर आपने उनके अकाउंट को एक घंटे के लिए लॉक कर दिया। यतेंद्र, क्या आपकी ट्विटर से जुड़े हुए किसी अफसर से, किसी से बात हो पाई है जो इस बात का जवाब दे पा रहे हो? वो ट्विटर इंडिया से ही क्यों ना जुड़े हों। देखिए, ट्विटर को लेकर सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उनके कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं रहते हैं। एक अधिकारियों की नियुक्ति की मांग जो नई आईटी कानून के तहत की गई है कि जो वो अधिकारियों की नियुक्ति हो भारत में, क्योंकि किससे बात करनी है, कौन पूरी तरह से इंडिया में हेड कर रहा है, कौन किस रीजन का हेड है, या किस तरह से ट्विटर की जो भारत सरकार के जो कानून है उसके हिसाब से ट्विटर की क्या पॉलिसी है, किस तरह से वो उसको फॉलो कर रहा है भारत के नियमों को, उनको लेकर कोई भी बातचीत करने अधिकारी नहीं। और शायद यही कारण है कि ट्विटर को चेतावनी देनी पड़ी। ट्विटर को जब जो नए आईटी कानून जो बनाए गए थे भारत सरकार ने, जब उनको फॉलो नहीं किया तो गाजियाबाद पुलिस ने एक एफआईआर की और जो उसको सुरक्षा का कानून मिला हुआ था वो भारत सरकार ने वापस लिया और इसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई भारत सरकार को उसके खिलाफ करनी पड़ेगा। गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिस तरह से वीडियो वायरल किया गया बिना किसी पुष्टि के। और जहां तक आप जो सवाल कर रही है वो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि ट्विटर का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है कि अगर कोई किसी तरह की शिकायत करता है या किसी अधिकारी से बातचीत करना चाहता है तो वो उपलब्ध नहीं है, वो पूरी तरह से गैर हाजिर, जो शब्द है गैर हाजिर कह सकते हैं, गैर हाजिर वो पूरे प्लेटफॉर्म से रहते हैं कि कोई भी उनसे सवाल जवाब करने वाला नहीं है। उनकी कोई जिम्मेदारी तय आज तक नहीं हुई है क्योंकि वो कानूनों को मानने वाले नहीं है, कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो शायद यही कारण है कि मनमानी जो अपनी ट्विटर अकाउंट हमेशा करते रहते हैं कि किस अकाउंट को ब्लॉक करना है, किसको बिल्कुल साफ तौर पर। और अब ट्विटर को जवाब देना ही होगा क्योंकि मामला आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से ताल्लुक रखता है। आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही एक और अहम खबर जिसका रुख अब हम करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर सामने आई एक रिपोर्ट के बाद दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में फंसती दिख रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान में जब पूरे देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, तब दिल्ली सरकार ने केंद्र से अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की थी। न्यूज 18 के एहतिशाम खान की रिपोर्ट है कि अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली को जब सिर्फ 289 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब दिल्ली सरकार ने 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। बीजेपी ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की।
जिसकी वजह से कोरोना से प्रभावित 12 राज्यों में ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी। और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी और दिल्ली सरकार में किस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है, पहले उसे भी सुन लेते हैं। पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 times इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली, 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस रिपोर्ट को, जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की। और ऑक्सीजन की कमी, साथ ही सप्लाई के मुद्दे पर बीजेपी और दिल्ली सरकार ने एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए हैं। वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा, उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मगर ये सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई थी, और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में ऑक्सीजन का मैसअप कर दिया था। डॉक्टर्स ने चिल्लाया, हॉस्पिटल्स ने चिल्लाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह महाझूठ बोलते हुए। साथ ही इस बीच संबित पात्रा ने एक ट्वीट करते हुए मनीष सिसोदिया को जवाब दिया। संबित पात्रा ने रिपोर्ट भेजने की फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा, प्रिय मनीष सिसोदिया जी, सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमिटी की रिपोर्ट से जुड़े तथ्य यहां मौजूद हैं। सच को देखकर आंखें बंद कर लेने से सच बदल नहीं जाएगा। संबित पात्रा के ट्वीट के जवाब में मनीष सिसोदिया ने अपना ट्वीट भी किया है, पलटवार किया है। सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मुझे कमेटी के सदस्यों के साइन वाली रिपोर्ट दिखाई है। ये रिपोर्ट बीजेपी ऑफिस में तैयार की गई और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। हम इस पर सुप्रीम कोर्ट में ही जवाब देंगे। और इस बीच ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी रिपोर्ट पर बीजेपी और दिल्ली सरकार ने एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप भी लगा दिया है। तो झूठ बोलने और ना बोलने की राजनीति का एक नया खेल ऑक्सीजन के मुद्दे पर जुड़ गया है। जहां दूसरी लहर में देश में अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन का संकट था, वहां पर बीजेपी ने यह आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाया कि जितनी जरूरत थी उससे 4 गुना ज्यादा उन्होंने डिमांड की थी ऑक्सीजन की। ऑर्डर किया, आप तुरंत बोलते हैं हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है, और 24 जून को अर्थात कल ये रिपोर्ट सबमिट होती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां बताया जाता है कि 4 गुना बढ़ा करके ऑक्सीजन सप्लाई बताया गया था दिल्ली का। तो ये सब कुछ सोच समझ करके अरविंद केजरीवाल जी जानते थे, अनजाने में नहीं, जानबूझकर मोदी जी पे हमला करने के लिए किया। लोग जान भी गंवाए हैं,
और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को उन बच्चों का उत्तर देना पड़ेगा जो बच्चे आज दिल्ली में यतीम हो गए हैं। अरविंद जी, आपके इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण न जाने कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है, इसका जवाब कौन देगा? वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहाँ संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट के अटेंडेंट कोर्ट में गए, हॉस्पिटल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभाल लीजिए, बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। ऑक्सीजन सप्लाई के विवाद के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जग कर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है, उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। मनीष सिसोदिया के बयान के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने क्या कहा है, आइए सुनिए। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली में सियासी घमासान भी छिड़ गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आदेश जी, इस पूरी ऑडिट रिपोर्ट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि ये रिपोर्ट तथाकथित रिपोर्ट है, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, कोई रिपोर्ट मेंबर्स के द्वारा साइंड और अप्रूव्ड नहीं है, बीजेपी ने इसे अपने घर में अपने दफ्तर में बनाया। देखिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी अपराधी के अपराध स्वीकार हो जाता है, अगर कोई चोर के ऊपर चोरी साबित हो जाती है, कोई डकैती करने वाले के ऊपर डकैती साबित हो जाती है, कोई बलात्कारी को बलात्कार के आरोप में साबित हो जाता, तो क्या वो कहेगा हाँ मैंने किया था? वही दिल्ली सरकार कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही है, और दिल्ली सरकार ने जो ऑक्सीजन के मामले में मिसमैनेजमेंट किया है, जो लापरवाही बरती है, जो प्रशासनिक अक्षमता उनकी दिखी है, उसी के कारण तो लोग इतना दिल्ली में नुकसान हुआ है। देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पर कैपिटा दिल्ली को मिली है, 60.98 एमटी पर 10,000 दिल्ली को मिली, बाकी राज्यों को कम मिली है। केंद्र सरकार ने जो ऑक्सीजन दी वो इनको ज्यादा दी है और ये उसको सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, जिसके कारण से 12 राज्यों में जो मौतें हुई हैं कोरोना से, उसका जिम्मेदार भी केजरीवाल है और इन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। केजरीवाल ने इतनी बड़ी लापरवाही बरती है, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए तुरंत। ऑक्सीजन पर कमेटी के रिपोर्ट पर बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से एक रिपोर्ट दिखाकर ये आरोप लगाया जा रहा है कि पूरे देश में जो ऑक्सीजन को लेकर के क्राइसिस हुई, इसके पीछे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार थी जिसने दिल्ली में ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मंगाया। सौरभ जी, क्या कहना इस रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट आई है? देखिए, एक तो ये रिपोर्ट आई नहीं है, ये रिपोर्ट बनाई गई है, ये भाजपा ने रिपोर्ट बनाई है। और इस पैनल के कुछ सदस्यों से हमने सुबह बात की तो उन्होंने बोला अभी तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है। और जब हमने भाजपा को चैलेंज किया कि आप दिखाइए इस रिपोर्ट पे कितने मेंबर्स के साइन हैं, तो संबित पात्रा गायब हो गए, तब से वो नहीं आए हैं फिर टीवी पे। दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी थी वो नकली नहीं बनाई जा सकती। हजारों हजार लोग ऑक्सीजन की कमी के ट्वीट कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे? मरीजों के रिश्तेदार मौजूद थे, प्राइवेट अस्पताल मौजूद थे, डिस्ट्रीब्यूटर ऑक्सीजन के मौजूद थे, ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चरर मौजूद थे, दिल्ली सरकार मौजूद थी, केंद्र सरकार मौजूद थी, सबका पक्ष सुना जा रहा था कि आप कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको कितनी ऑक्सीजन आ रही है, आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, सारे पक्ष वहाँ मौजूद थे। और उन पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ये कह रहा था, हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जितनी ज़रूरत है उतनी आप नहीं दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तब हाई कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे केंद्र ने ऑक्सीजन बढ़ाई।
तो ये संभव नहीं है कि ये सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग जो हैं, अरविंद केजरीवाल के कहने पे झूठ बोल रहे थे। दिल्ली सरकार की तरफ से जरूरत से चार गुना अधिक ऑक्सीजन मांगे जाने की ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक्सपर्ट पैनल ने यह बताया है कि दिल्ली के अंदर सेकेंड वेव के समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल था। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। दिल्ली के अंदर अधिकांश लोगों की मौत अस्पताल में अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन न होने की वजह से हुई। उस समय अरविंद केजरीवाल जी के कई विधायक और कार्यकर्ता लगातार अपने घरों से ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे थे और सप्लाई कर रहे थे। दिल्ली पुलिस को तुरंत इसके अंदर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और वो कोई भी व्यक्ति इस कालाबाजारी में इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, भले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या विधायक। दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन डिमांड के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, आइए सुनिए। नकवी जी, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का काफी हंगामा हुआ था। अब ऑक्सीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है ऑक्सीजन ऑडिट की, उसमें आया है कि जितनी डिमांड थी उससे चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई। देखिए, इस पैंडेमिक पीरियड में भी कुछ लोग पैनिक और पाखंड की प्रयोगशाला बन गए और जिस समय की लोगों को मदद की जरूरत थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार भरपूर मदद कर रही थी, उस समय भी पैनिक पैदा करना, पाखंड करना, ये कुछ लोगों ने किया और एक के बाद एक वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय अगर आप संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते तो सियासी व्यवधान का किस्सा मत गढ़िए, लेकिन ऐसा लोगों ने किया और अब आज उनकी ये सारी की सारी जो घपलेबाजी थी वो सामने आ रही है। तो क्या लगता है ये जानबूझकर हंगामा किया गया, पैनिक क्रिएट किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि डिमांड कम थी और उससे चार गुना ज्यादा मांगा गया? जानबूझ करके माहौल को खराब करना, जानबूझ करके भय और भ्रम का माहौल पैदा करना, आशंकाओं का और अफवाहों का माहौल खड़ा करना, ये कोशिश थी अपनी कमियों को दूर करने के लिए। देखिए, अपने जो नाकामियां हैं उस पर किस तरह से जो है वो पर्दा डालो, वो कोशिश है। और नाकामियों पे अपने पर्दा डालने के लिए जो लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम हो रहा है उस पर पलीता लगाया गया। और पूर्व क्रिकेटर साथ ही दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ऑक्सीजन के मुद्दे पर, ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। आज बाहर आके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें वो माहिर हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञापन में, और बताना चाहिए कि सिर्फ दिल्ली में नहीं देश में इस पैनिक को क्यों क्रिएट किया गया। और उस वक्त पे ये पैनिक क्रिएट किया गया जब सबको एकजुट होके इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, जब 279 मेट्रिक टन की ज़रूरत थी, तो आपने ये क्यों बोला गया कि आपको 1100 मेट्रिक टन की ज़रूरत है, और क्यों आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बोला कि आप जो आपकी डिमांड है उसको इन्फ्लेट करके सेंटर को बताइए। तो इतनी घिनौनी राजनीति का जवाब देना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को, हर चीज में झूठ बोल के निकल नहीं सकते हैं। अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कल अयोध्या पर पीएम की बैठक होनी है, अयोध्या में विकास कार्यों पर प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं, बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मंदिर निर्माण से जुड़े काम की चर्चा भी होगी, ट्रस्ट से जुड़े सदस्य भी इस बैठक में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होने की लगातार जानकारियां आ रही हैं। तो ये इस वक्त अयोध्या मामले पर जानकारी, कल अयोध्या पर पीएम बैठक करने वाले हैं, अयोध्या में विकास कार्यों पर ये बैठक होने वाली है, बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने की जानकारी है। साथ ही मंदिर का जो निर्माण कार्य है उससे जुड़े काम की भी समीक्षा इस बैठक में होगी कि रफ्तार और धार क्या है काम की, विकास कार्य कहां तक पहुंचे हैं। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कितने बजे होनी है कल ये बैठक? देखिए, दोपहर 11 बजे ये बैठक होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और पीएम अयोध्या के तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी जो राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य चल रहा है उस पर बैठक का फोकस रहेगा और वहां का आसपास अयोध्या का जिस तरीके से जो बड़े पैमाने पर विकास का रोडमैप तैयार किया गया है, अयोध्या को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर जो लाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर जो कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं उन सब पर ये चर्चा होगी और जो मंदिर ट्रस्ट है उसके सदस्यों के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है, वो लोग भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि राम मंदिर के निर्माण की समीक्षा होगी, अयोध्या में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा होगी, अयोध्या के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है।
जी, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकारी, बीते दिनों विवाद रहा ट्रस्ट के ऊपर, कई तरह के आरोप भी लगे, क्या बैठक के इर्द गिर्द उस डेटाबेस के बारे में भी हिसाब किताब लिया जा सकता है प्रधानमंत्री के जरिए? देखिए, पीएम के साथ जब बैठक हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो बैठक का एक अपना एजेंडा है, जिस बैठक को लेकर के वो बैठक हो रही है, और उसी एजेंडे के इर्द गिर्द ये बैठक रहेगी। पहले से ये बैठक तय थी और 11 बजे ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक का एजेंडा जो है वो अयोध्या के विकास कार्य और जो वहां पर जितना भी अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है और जो आगे होने हैं, उन सब पर चर्चा होगी। और राम मंदिर के निर्माण का काम किस गति से आगे बढ़ रहा है, कितना काम हो चुका है, कितना और होना है, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। जी, शुक्रिया विक्रांत जानकारी के लिए। और बड़ी खबर अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। धर्मांतरण मामले में जिस तरह से विदेशी फंडिंग की बात हो रही है, उसके बाद ईडी अब मामला दर्ज कर इसके तह तक जाने की कवायद कर रही है। ईडी ने इस मामले में यूपी एटीएस से मामले से जुड़ी एफआईआर और तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मांग लिए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर यूपी धर्मांतरण से जुड़ी हुई, जो कि सहयोगी आनंद तिवारी दे रहे हैं। और इस बीच उमर गौतम काजी जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को बड़ी जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि धर्मांतरण प्रकरण में हवाला के जरिए उमर गौतम के पास पैसे भेजे जा रहे थे। यूपी एटीएस ने कुछ विदेशी खातों से ट्रांजैक्शन के सबूत भी हासिल कर लिए हैं। विदेशी फंडिंग कहां कहां से हुई है, हवाला के जरिए किन किन बातों खातों में ये पैसा आया हुआ है और कैसे पैसे आया है, सब बातों की जांच हो रही है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के बाहर कई राज्यों में भी एटीएस और एसटीएफ की छापेमारी हो रही है। छापेमारी में यूपी एटीएस को कई अहम दस्तावेज, साहित्य और वीडियो मिले हैं। जितने लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया है, एटीएस और पुलिस की टीमें उनसे संपर्क साध रही है। उनके परिवार वालों से पुलिस लगातार संपर्क में है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, किस तरह विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है और आतंकी संगठन जैसे का नाम आ रहा है? देखिए, यूपी पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ काफ़ी डिटेलिंग की है। अब आपके संज्ञान में है कि गाजियाबाद में एक इनपुट मिला था लगभग 20 दिन पहले, उसको जब फॉलोअप किया तो दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका नाम आपने लिया है। इन दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। हवाला की बात सामने आ रही सर जी, ये संभव है कि हवाला की ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। कहाँ कहाँ से सर? ये अभी पूरा डिटेल किया जा रहा है। जो एक विदेशी बैंक अकाउंट, मतलब विदेशी बैंक के अकाउंट जो है मिले हैं, उसमें जो है फंड्स आए हैं, वो कहाँ से आया है, क्या वो नियम से आया है कि नहीं आया है। तो पहला तो बिंदु यह है कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे थे, क्योंकि जब फंडिंग हम क्लियर करेंगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने फंड किया है उनकी मंशा स्पष्ट हो। टेरर एंगल की भी जांच हो रही है। कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जैसे मोहम्मद जैसे लोगों की साजिश है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और दिन प्रतिदिन जो है इसकी मॉनिटरिंग सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है और कहा गया है कि इसमें हर हालत में जो हमारी टीम्स हैं वो न केवल हमारे प्रदेश के अंदर लेकिन प्रदेश के बाहर सेंट्रल एजेंसीज के साथ, उन स्टेट्स की पुलिस के साथ भी संपर्क करें, क्योंकि ये जो धर्मांतरण का पूरी व्यवस्था थी इसमें मूक बधिर जो है व्यक्ति थे, बच्चे थे, तो ऐसे में इन लोगों का पूरा इनके परिवार वालों से संपर्क करके, इनके परिवार वालों को कई जगह जानकारी ही नहीं है कि इस तरह का जो है हुआ है, तो इन सब चीज़ों को जानकारी करके इसको बहुत गहराई से देखा जा रहा है। जबरन धर्मांतरण से जांच में जुटी यूपी एटीएस लगातार जगह जगह छापेमारी भी कर रही है और इस कड़ी में एटीएस की टीम लखनऊ के मलिहाबाद अल हसन इंस्टीट्यूट पहुंची। और इसी बीच उमर गौतम और जहांगीर का लखनऊ कनेक्शन सामने आ गया है। जानकारी है कि उमर गौतम अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है और इसी बीच एजेंसियों को धर्मांतरण गिरोह के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं। धर्म परिवर्तन के बाद मूक बधिर बच्चों के जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के भी सबूत मिल रहे हैं। और इन सब के अलावा
यूपी पुलिस ने 24 राज्यों में धर्मांतरण का दावा किया है। अजीत सिंह की खबर है कि एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड उमर गौतम देश के 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में धर्मांतरण करा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी ये ऐसी गतिविधियां करने वाले लोग सक्रिय हुए थे पहले, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जब इनके साथ सख्ती की गई तो समय समय पर इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। अब एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है और पूरी तरीके से इसकी निचले तक जाकर सरकार ऐसे सारे दोषी तत्व और उनको सहयोग करने वाले लोगों की का चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। नकवी ने क्या कहा है, आइए सुनिए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मामला सामने आया, उसमें जांच एजेंसियां लगी हुई है, लेकिन अहम सबूत मिल रहे हैं, अहम खुलासे हो रहे हैं, और आज जो खुलासा हुआ है उसमें साफ है कि जो फंडिंग है वो बाहर से हो रही है। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो जबरदस्ती धर्मांतरण है और इस धर्मांतरण का धंधा है, इसको न कोई संविधान इजाजत दे सकता है या देता है, न कोई सरकार इजाजत दे सकती है, न समाज इजाजत देता है। और जो लोग भी इस तरह का अपराध कर रहे हैं और इस अपराध के जो अपराधी हैं वो और उन अपराधियों के आका, वो भी धीरे धीरे एजेंसियों ने उनके उनके जो है वो पूरे के पूरी जो है वो जुगड़े भाग उनके जो चल रहे थे वो पता लगा लिया है, और वो पूरी तरह से बेनकाब भी होंगे और कानून का फंदा उन तक पहुंच गया है। लेकिन अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी इसी तरह से इसमें चुनाव से कहां मतलब है। धर्मांतरण जो है वो क्या अपोजिशन करा रहा था क्या, पहले बताया कि कौन करा रहा था? धर्मांतरण सही है कि नहीं? धर्मांतरण जो जबरदस्ती धर्मांतरण का धंधा था वो सही है क्या, इसमें क्या है?